जैसे ये जार होगी यहाँ से, इसको खोलना नहीं पड़ता मशीन को, जार में इसको ऐसे लगा के इसको साफ हो जाती है ये, तो इसको खोलना नहीं पड़ता है, बारी बारी यहाँ से साफ हो जाती है। एडल वगैरह दे रही है कंपनी, अच्छा काम दे रही है, टूल वगैरह है बड़ा, साथ में दो दो टूल दे रही है, दो कटर भी दे रही है, चेन वगैरह है दो अच्छी डायमंड कंपनी की दे रही है, जो बड़े हार्वेस्टर में नहीं देखने को मिलती है। और सर जी, जी क्या लगा हो इस पे? हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं SS मान इंजीनियर वर्कर्स सुखपुरा बरनाला पंजाब में, और दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे SS मान द्वारा तैयार की हार्वेस्टर कमैन, जिसे दोस्तों हम ट्रैक्टर कमैन भी कह सकते हैं। दोस्तों जी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों नई आ रही मशीन की जानकारी सबसे पहले विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल पे मिलती है। दोस्तों इस मशीन के बारे में जानकारी देंगे, हमारे साथ हैं कंपनी के सेल्स मैनेजर, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। आप सबसे पहले मैं आप यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं श्री गंगानगर जिले, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रावला तहसील से जगदीश कुचेरिया बोल रहा हूँ। सर आज हम किसान भाइयों के लिए क्या लेकर आए हैं? आज एक बहुत ही अच्छी मशीन है, SS मान की ये कंपाइन बहुत अच्छी है। पहले टाइम में क्या होता कि मिनी कंपाइन होती, उससे जैसे सरसों है, ग्वार है, मूंग है आदि फसल को इकट्ठा करता था जमींदार, फिर उसको ट्रालियों द्वारा इकट्ठा करके फिर एक जगह निकालता था। आज ये के SS मान ने ये हमारे को सहूलियत दी है, इसमें जैसे फसल को बाढ़ के हमने सतरियों में या थबियों में छोड़ देते हैं, उसको इकट्ठा करना नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको थबियाँ द्वारा इसमें मजदूर दो चार पाँच मजदूर लगते हैं, इसमें डालते हैं, इसके द्वारा ये मशीन दाने निकालती है, साथ में भूसा इकट्ठा करती है, साथ में ये गेहूं भी बहुत अच्छी तरह से बाढ़ के निकालती है साथ में भी। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा भी, इस मशीन से कौन कौन सी फसलें हम जो निकाल सकते हैं? इससे सरसों है, गेहूं है, चना है, ग्वार है, मूंग है इत्यादि फसलें निकाल सकते हैं। और सर कंपनी इसमें क्या क्या कौन से कटर देती है? कंपनी इसमें दो चीज़ देती है, एक तो ये आगे का कटर फिक्स देता है, जैसे सरसों निकालना है, ग्वार निकालना है, चना निकालना है, ये तो इसके लिए देती है। जो इसके पीछे का कटर है जो वो अपने को दिख रहा है पीछे, वो इसमें गेहूं के लिए दे रहे हैं, ठीक है सर। सर उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये क्या सिस्टम लगा हुआ है इसके बारे में? सर ये देती है साथ में, इसमें जैसे जार में कोई चीज़ आके जार बंद हो जाती है तो उसमें फेरने के लिए, जैसे ये जैसे ये जार होगी यहाँ से, इसको खोलना नहीं पड़ता मशीन को, जार में इसको ऐसे लगा के इसको साफ हो जाती है ये, तो इसको खोलना नहीं पड़ता है, बारी बारी यहाँ से साफ हो जाती है। एडल वगैरह दे रही है कंपनी, अच्छा काम दे रही है, टूल वगैरह है बड़ा, साथ में दो दो टूल दे रही है, दो कटर भी दे रही है, चेन वगैरह दो अच्छी डायमंड कंपनी की दे रही है, जो बड़े हार्वेस्टर में नहीं देखने को मिलती है। और सर जी क्या लगा हुआ इस पे? इसमें ये पीछे एक ट्रॉली सिस्टम लगा हुआ है, इसमें क्या है कि जैसे सरसों का भूसा होता है वो 15 क्विंटल के लमसम इकट्ठा होता है, ठीक है सर, वो फिर चलती है मशीन, साथ में भूसा इकट्ठा होता है, जमींदार के कहने पे जैसे 5 बीघा हो गया, 3 बीघा हो गया, उस पर एक स्थान पर ही इकट्ठा हो जाता है ये भूसा, यानी खेत में नहीं खिलरता है, जो इकट्ठा होकर एक था काम आ जाता है जमींदार के। सर इस साइड में देख रहा था यहाँ पे एयर टैंक वगैरह लगे हुए हैं, इनका क्या काम रह गया? सर ये कंप्रेसर देती है कंपनी साथ में, इसका क्या है कि जैसे ट्रैक्टर चल रहा है उसमें ट्रैक्टर की जाली या रजिस्टर वगैरह उस पर भूसा आ जाता है या कोई डस्टबिन आ जाता है, उसको साफ़ करने के लिए इसमें कंपनी अच्छी कंपनी का ये कंप्रेसर दे रही है उसको साफ़ सफाई करने के लिए। और ये जैसे ज़मींदार के साथ में अन दुर्घटना ना हो, इसके लिए इस पर सेफ्टी कार्ड भी दे रखा है कंपनी ने, ठीक है सर। सर अगर हमने पक्के के चक्कर कम ज़्यादा करने हो तो इसके लिए? सर इसमें पुली लग जाती है उस तरफ है जैसे इसमें आ गया, ये यहाँ पे छोटी बड़ी पुली लग जाती है, आसानी निकलती है, आसानी लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर इससे अगर किसान भाई को अगर बैरिंग की दिक्कत आए तो कैसे चेंज कर सकते हैं? सर बैरिंग का इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ से नट दे रखे है, बहुत अच्छी डाई लगती है, इसमें नट लग के नट निकालने पर हथौड़े की जरूरत नहीं है इसमें बैरिंग बदलने के टाइम पे, मतलब सारा पोलर सिस्टम दिया गया। हाँ इतना अच्छा सिस्टम है कि हथौड़े की जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ एक जो नट 4 सूत का नट लगेगा उसमें 21 नंबर पाने के साथ में खुल के बैरिंग लग जाएगा। सर उसके बाद ऊपर मैं देख रहा हूँ ग्रेन टैंक और डीजल टैंक दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दोगे सर? हाँ जी सर, डीजल टैंक है, इसमें लमसम 190 या 200 लीटर डीजल आता है, जो जमींदार को बार बार
पंप पे नहीं जाना आना पड़ता है, एक बार भराने पर दो दिन या तीन दिन मशीन चल जाती है। साथ में ये ग्रीन टैंक है, इसमें 7-8 क्विंटल यानी सरसों आ जाती है आराम से। ठीक है सर। सर उसके बाद सर मैं इसके बाद जो फीडर लगा हुआ है, फीडर के बारे में जानकारी दोगे सर इस आगे इसके? हाँ सर, ये फीडर जैसे इसमें मशीन में कई बार क्या है कि ज़्यादा सतरिया लगाने पर या ज़्यादा रुग लगाने पर मशीन चौक हो जाती है, तो यहाँ से ओपन हो जाता है। यहाँ से ओपन होने के बाद में ये भूसा एक्स्ट्रा आ जाता है, वो ज़्यादा भूसा बाहर निकल जाता है, इससे मशीन रोकनी नहीं पड़ती है जमींदार को। ठीक है सर। और इसमें ये एक ये सिस्टम दे रखा है कंपनी ने, बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि जो आगे का सिस्टम चलता है, जैसे रुग वगैरह डालते हैं, थप्पी वगैरह डालते हैं, तो यहाँ से कम ज़्यादा हो जाता है, उसका सिस्टम ही है ये। ये ड्राइवर के हाथ में रहता है। कैसे सर, मुझे मतलब इसके चक्कर ज़्यादा करनी होगी? कम नहीं, चक्कर की बात नहीं है, यहाँ से ये लीवर होता है, इसको ऐसा चलाने पर लगाने पर आगे से चलता है ये। ठीक है सर। अरे ये आगे से जैसे सिस्टम डल रहा है, सरसों है या कुछ भी है, तो ज़्यादा आ गया यानी ट्रैक्टर पे लोड आ रहा है, तो इसको निकाल देते हैं, तो ट्रैक्टर आसान हो जाता है। सर अगर चौक की बात करें, गिली फसल होती है कई, मैं देखता हूँ हाँ जी, बारिश का मौसम होता है जो गिली फसल लगा, तो उसको जी फसल निकाल सकता है? हाँ जी, अच्छी तरह निकाल सकता है। ठीक है सर। हाँ जी। और सर आप जी, अगर किसान भाई ने आपकी जी मशीन लेनी हो तो कैसे ले सकता है? सर हमारा इस पर एड्रेस दे रखा है आगे की तरफ, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। यहाँ पर ये हमारी फर्म का नाम है और ये हमारा फ़ोन नंबर है। ठीक है सर। सर आप किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान भाई को यही मैसेज दे रहा हूँ कि पहले के ज़माने से अब थोड़ा आगे और मॉडर्न ज़माना है, उसी के हिसाब से ये मशीन है, बहुत अच्छी है ज़मींदार के लिए। ना तो फसल को इकट्ठा करना और ना ही कुछ करना, बाढ़ के ही छोड़ना या खड़ी को बढ़वाना है, वो बाढ़ सकती है पीछे कटर को। ठीक है सर। इसमें यहाँ से चक्कर दे रखे, पीछे पीटीओ गेयर से चलता है। यहाँ से जैसे अपने सरसों निकालनी है, गेहूँ निकालना है, जो भी हमने फसल निकालनी है, यहाँ से चक्कर बद घटके से की सेटिंग हो जाती है। इसमें कोई भी सरसों है जैसे मूंग है इत्यादि फसल निकलती है, कोई इसमें दाना नहीं टूटता है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल साफ क्लियर निकालता है। वैसे सर ये इसका इसमें ग्रीन कलर किया हुआ है, इसका ये मतलब जॉन डीयर ट्रैक्टर के लिए बनी है? ये जॉन डीयर जैसे अलग अलग ट्रैक्टर पर जो कौन सा भी ट्रैक्टर पर बनाती है कंपनी, जो भी ट्रैक्टर इच्छुक हो वो भी चढ़ाते हैं उस पर बन जाती है, वो भी ट्रैक्टर अच्छा चलता है इस पर कोई भी हो, वो तो कंपनी के हिसाब से होता है कलर। ठीक है सर। पीछे ये 10 फुट का कटर है, ये जैसे खड़ी गेहूँ है अपनी पक जाने के बाद में, ये जैसे अपने पहले ट्रैक्टर के आगे रिपर लग के जैसे गेहूँ निकालते थे या जमींदार हाथ से काटता है गेहूँ, उसी तरह गेहूँ जस्ट काट कर एक पारी में यानी गेहूँ काट कर उसको साथ में तूड़ी बनाती है। हाँ जी किसान भाइयों, ये थी मल्टीपर्पज़ हार्वेस्टर कंबाइन जो कि SS मान इंजीनियर वर्कस सुखपुरा बरनाला में तैयार की जाती है। दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर हार्वेस्टर कंबाइन ले सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और नई आ रही मशीनों की जानकारी के लिए विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कटे हो।